हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मीज फूड बास्केट। तो आज मैं आपके साथ वेजिटेबल पितौर कतली की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज्यादा इजी है बनाने में और आप इसे स्नैक्स में खा सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है। सबसे पहले बेसन को हम एक बड़े बोल में डाल लेंगे। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पहले इसका एक घोल बना लेना है ताकि इसकी जो गुठलियां हैं वो चली जाएं, कोई लम्प्स ना बने। उसके बाद हम बाकी का पानी ऐड करेंगे। तो अब ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके बाकी का सारा पानी ऐड करेंगे। इन टोटल हमने जितना बेसन लिया है उससे हमने 2.5 गुना ज्यादा पानी ऐड करना है। अब हमारा बेसन का घोल रेडी हो गया है। अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब ये हमारा बेसन का घोल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ले ली हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काटी है बारीक, यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है मीडियम साइज, उसको बारीक काट लिया है, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज प्याज को बारीक काट लिया है और 2 मीडियम साइज शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है। आपके पास अगर और सब्जियां हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो अब मैं इन सब चीजों को इस घोल के अंदर डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहां हमने एक पैन गर्म कर लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाल लिया है। अब इसके अंदर हम हमारा ये घोल डाल देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं हमारा बेसन का जो घोल है वो गाढ़ा होने शुरू हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे। तो अब हमें इसे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये पैन को छोड़ रहा है जैसे ही हम इसे पका रहे हैं। इससे ज्यादा गाढ़ा हमें इसे नहीं करना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे इस पूरी प्लेट में फैला लेंगे। बहुत ज्यादा मोटा हमने इसे नहीं रखना है, तो हम इसमें इवनली इसे पूरी प्लेट में फैलाएंगे। तो अब हमने ये पूरी प्लेट में बराबर फैला लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जल्दी ठंडा हो जाए इसलिए मैं इसे फैन के नीचे रखूंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस आप अपने साइज और शेप के रख सकते हैं। तो अब हमने इन्हें कट कर लिया है। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ एक पैन में मैंने तेल गर्म कर लिया है। तो अब हम इसमें हमारे पीसेस रख देंगे। हमने इन्हें दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। तो अब ये पक गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। आप भी इन्हें घर पे जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।